नंबर वन, मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए शहद का सेवन अवश्य करना चाहिए। नंबर टू, गुस्से में खाना खाने से व्यक्ति को बदहजमी होती है। नंबर थ्री, काली मिर्च का दूध के साथ सेवन करने से व्यक्ति हमेशा जवान नजर आता है। नंबर फोर, रोजाना नाश्ते में खुद को और अपने बच्चों को दही खिलाने की आदत डालो, यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नंबर फाइव, रोजाना सेब के सेवन से आपका दिल मजबूत होता है। नंबर सिक्स, अदरक को सूंघने से दमा दूर होता है। नंबर सेवन, अगर आपकी दिल की धड़कन तेज होती है तो बासी मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करें। नंबर एट, चने की दाल का सेवन करने से खून की रवानी तेज होती है। नंबर नाइन, ठंडी रोटी के सेवन से कलेजे को ताकत मिलती है। नंबर टेन, प्याज खाने वाला व्यक्ति का लीवर कमजोर नहीं होता है। नंबर अलेवन, नींबू के छिलकों पर चीनी लगाकर दाग धब्बों पर रगड़ने से दाग धब्बे और कालापन दूर हो जाता है। नंबर ट्वेल्व, शरीर में खून की कमी होने पर दूध और किशमिश का सेवन करें। नंबर थर्टीन, दही खाने से लीवर और दिल मजबूत होता है। नंबर 14, रोजाना आधे घंटे टहलने से सैकड़ों बीमारियां से निजात मिलती है। नंबर 5, आँखों में चमक लाने के लिए रात में सोने से पहले किशमिश का सेवन करें। नंबर 16, पानी पीने के बाद कुछ देर टहलने से घुटनों का दर्द नहीं होता है। नंबर 17, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहने के लिए शहद का सेवन रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। नंबर 18, त्वचा का कोई भी रंग हो उसे निखारने के लिए शहद प्रभावी रूप से कार्य करता है। नंबर 19, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए शहद में मौजूद पोटेशियम की मात्रा प्रभावी असर दिखाती है। नंबर 20, आंवले का चूर्ण सुबह शाम 5-5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। नंबर 21, 10 ग्राम पीसी सौंफ को घी में मिलाकर सेवन करने से चक्कर आना बंद हो जाता है। नंबर 22, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। शहद में मौजूद आयरन की मात्रा एनीमिया के खतरे को कम कर देती है, इसलिए शहद का सेवन जरूर करें। नंबर 23, जिन लोगों को खांसी हो उन्हें शहद चटाकर खाना चाहिए, इससे खांसी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। नंबर 24, चने की भीगी हुई दाल के साथ शहद मिलाकर रोजाना सुबह खा लें, मोटापा कम हो जाएगा। नंबर 25, सुबह बासी मुंह खीरा खाने से मोटापा कम होता है। नंबर 26, यदि शरीर के किसी भी हिस्से में गैस के कारण दर्द हो रहा हो तो एक ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीने से गैस बाहर हो जाती है और शरीर को आराम मिलता है। नंबर 27, सेब को छीलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं, सिर दर्द दूर हो जाएगा। नंबर 28, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज की समस्या से बचाने के लिए सेहत फायदेमंद होता है। नंबर 29, सिर दर्द की समस्या से परेशान लोगों के लिए रात में सोने से पहले दूध के साथ एक चम्मच शहद का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। नंबर 30, अगर चोट लग जाने की वजह से शरीर से लगातार खून निकल रहा हो तो बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी को पानी में डुबोकर खून निकलने वाली जगह पर रगड़ने से
खून का निकलना बंद हो जाता है। नंबर 31, रोज सुबह खाली पेट 2 आंवले खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। बता दें कि आयुर्वेद में आंवले को आँखों के लिए सबसे बड़ा औषधि बताया गया है। आंवले का लगातार सेवन करने से आँखों की चमक बढ़ती है और जिन लोगों की आँखें कमजोर होती है उनकी आँखें सामान्य हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे ऐसे ही हेल्थ टिप्स और किचन टिप्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।